दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ सोना के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, आपको समझाया था सोना के बारे में। आज वही सेकेंड वीडियो है जो कि मैंने बोला था कि भाई अगली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, तो ये वो अगली वीडियो आ गई है। और इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा सोना के बारे में, और आपको डे और नाइट दोनों व्यू दिखेंगे। और आज मैं जिस प्रॉपर्टी के बारे में आपको गाइड करूँगा वो प्रॉपर्टी भी मैं बताऊंगा। देखो, ये है चलता हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर, और मैं बात करूंगा ATS होमक्राफ्ट के अंदर फ्लोर लेके आ रहा है BLF ग्रुप, DLF नहीं, BLF ग्रुप। तो BLF ग्रुप ने ATS के अंदर अपने तकरीबन 100+ के आसपास के प्लॉट हैं वो यहाँ पे परचेज करने का प्लान कर चुके हैं। 60-70 प्लॉट ऑलरेडी ये परचेज कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन कमर्शियल ATS के अंदर बनने लग रही है। इस ATS के अंदर 1.5 लाख+ तक के रेट पर यार के पहुंच चुके हैं, ये प्लॉट खरीद चुके हैं। यहाँ BLF के फ्लोर है बनना शुरू हो चुके हैं, और भी अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग हैं। आगे मैं लेआउट भी, ब्रोशर भी, सारी चीज़ें बताऊंगा। ये ATS का फेज 2 है, और इसके अंदर गार्डन कम्युनिटी एरिया यहाँ पर बनाया जाएगा और कमर्शियल, उसके पीछे सारी पहाड़ियाँ हैं। ये 24 मीटर का रोड निकलना है यहाँ से, ये 24 मीटर का रोड है। और ये मिलिया है सिल्वर ग्लेड का प्रोजेक्ट जो लग्जरी है, और ये 2 टावर सीनियर सिटीजन के लिए हैं। उसके बाद अगर आगे अगर आप चले जाओगे तो आइरियो सवाना आपको देखने को मिलेगा। इधर की बात करेंगे, इसके आगे कोई आर जोन नहीं है, ये सारा ग्रीन एरिया रहेगा, हमेशा एग्रीकल्चर एरिया है। और सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर ये डिलीवर्ड है, लोग रह रहे हैं। ये 24 मीटर का रोड बिल्कुल यहाँ से लेके ये इस प्रोजेक्ट के बगल से जाएगा सीधा। ये ROF का JPL के जो प्लॉट थे उसका फेज 2 का एरिया ये है। ये सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल है जिसमें लोग रह रहे हैं, 15,000 रुपये रेंट आज के टाइम मिलता है। उसके बाद ये वाला जो लैंड पार्सल है, ये वाला, ये भी ROF का है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना दोस्तों, ये है 60 मीटर का लैंड पार्सल, ये रोड है यहाँ पे खाली है, इधर सेक्टर 36 और इधर है सेक्टर 35। तो ATS की जो एंट्री है इस 60 मीटर रोड से भी एंट्री होगी यहाँ से, ठीक है, और ATS की एंट्री है इस रोड से भी। यानी अगर दीनदयाल के अंदर अगर देखोगे तो ये अकेला प्रोजेक्ट है जिसकी 2 मेजर एंट्री है, सोना रोड से भी और साथ में 60 मीटर रोड से भी 2 मेजर एंट्री आपको लेआउट में भी नजर आएंगी, वहां भी दिखाऊंगा। उसके बाद जब ये यहाँ पे 60 मीटर यहाँ पे कनेक्ट होगा ना, तो कुछ न कुछ एग्जिट यहाँ पे मिलेगा कि हम एग्जिट दे सकें रोड को। तो यहाँ पे सर्विस लाइन प्रॉपर रेडी की जाएगी, क्योंकि जो सर्विस लाइन है ना यहाँ पे, ये 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट आती है, क्योंकि यहाँ से ऐसे बने हुए हैं गेट। तो प्रोजेक्ट और रोड के बीच में 30 मीटर की आपको ग्रीन बेल्ट भी मिलती है, और सर्विस लाइन का भी अलग से रूट मिलता है। तो ये जो ATS का प्रोजेक्ट है इसलिए इसके रेट भी बढ़ रहे हैं। और इसके सामने देखोगे, देखो गार्डन रेडी है, सारी चीज़ें हैं। इस वाले ब्लॉक के अंदर फ्लोर है वो बनना शुरू हो गई हैं, और इधर वाले बाद में बनेंगे। तो यहाँ पे अभी 21 प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर बनाए जा रहे हैं, अप्रूवल है 4 का, और लेआउट तो बहुत ही गजब का है। ये मेन गेट लगा हुआ है, ये ग्रीन बेल्ट जो मैंने बताई, ये कमर्शियल लग रहा है, बनने लग रहा है। प्रोजेक्ट की डिटेलें आगे, ये सारा सेंट्रल पार्क है, जस्ट अपोजिट साइड सेंट्रल पार्क, ब्रिज का कमर्शियल फ्लोर, और चलता हुआ ये खूबसूरत हाईवे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, एक्टिविटीज आसपास कमर्शियल रेडी है, आपके आसपास की हाई राइज की डेवलपमेंट रेडी है। उसके बाद ये सेंट्रल पार्क के अंदर बहुत लोग रह रहे हैं अपने फ्लोर में, फ्लैट में विला बने हुए हैं। उसके बाद ये जो फ्लोर है ये ब्रिज के फ्लोर है, देख रहे हो, ये ब्रिज के फ्लोर है, ये ब्रिज का अफोर्डेबल है। ब्रिज का देखो, कमर्शियल के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लेआउट इनका बना हुआ है। फिर ये हाई राइज लैंड पार्सल है, तो इधर है अकेला ATS प्रोजेक्ट जिसकी 2 मेजर एंट्री है, 60 मीटर रोड से भी और मेन रोड से भी, तो दोनों तरीके से एंट्री है। प्रोजेक्ट अच्छा है, लो डेंसिटी प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इधर REO के पीछे जाके फ्लोर आते हैं, यहाँ पे फ्लोर आएंगे। अभी ये वाले जो फ्लोर है प्रीमियम है, प्लान कर लो, ले लो, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा है। जैसे ये 1 साल में दिसंबर तक इसकी पोजीशन हो जाएगी, 25 तक
तब तक ये मॉल रेडी हो जाएगा और सबसे ज़्यादा रेंटल इनकम यहाँ मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर आपको लेआउट अच्छा मिलता है, 3 BHK मिलता है, 2 BHK मिलता है, लोन प्रॉपर हो जाएगा, वो भी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले लोकेशन मैं आपको समझाता हूँ। ये व्यू है, ये जो कमर्शियल मैंने बताया था सिग्नेचर का, ये प्रॉपर तरीके से रनिंग है और सिग्नेचर ग्लोबल के अंदर भी बहुत सारी गाड़ियां आज के समय में खड़ी होती हैं। 60 से 70 लाख का आपको यहां पे अफोर्डेबल है, वो सेल पे मिलता है, रिसेल देख रहे हो पूरी भरी हुई है। ये कमर्शियल एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही यहां पे एक्टिव होगा यहां पे रेंटल इनकम बहुत बढ़ेगी, क्योंकि लोग यहीं पे रहना पसंद करेंगे सबसे पहले, और आपके बगल में एक 60 मीटर का रोड भी यहां पे आता है। उसके बाद आसियाना, यहां से आसियाना के बगल में यहां पे आपको 30 मीटर का रोड ये देखने को मिलेगा, इधर 34 है, इधर 33 है, और फिर 60 मीटर का आपको रोड बनाया जाएगा इन फ्यूचर। अब मैं आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ, जिसमें आप ये समझेंगे कि किस तरीके से ये दिखता है। ये मेन रोड हो गया, देख रहे हो बिल्कुल जगमगा रहा है। उसके बाद ये मेन गेट हो गया ATS का, उसके बाद ये पूरी जितनी भी लाइटिंग आप अंदर देख रहे हैं ATS की, ये रोड है। आपके बगल में एक बेनिफिट हो रहा है कि आपके बगल में ये ब्रिज है, अगर आपको पैदल रास्ते से क्रॉस करना है तो आपके पास ये भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है, जो आयरन ब्रिज है, ये अकेला है, तो इसके आसपास भी ये बेनिफिट मिलता है। देख रहे हो पूरी जगमगा रही है ये सोसाइटी, बच्चों की एक्टिविटी रेडी है, गार्डन रेडी है, अभी 1.5 एकड़ का ये गार्डन और रेडी करना है, क्योंकि ये कम्युनिटी एरिया है, अभी यहाँ पे लेबर वगैरह अभी यहाँ पे रह रही है, तो इसलिए इसको बाद में एक्टिव करेंगे। उसके बाद ये फेज 2 है, फिर ये वाला गार्डन भी रेडी करना है। ATS और BLF मिलके यहाँ पे क्लब का प्लान है वो करेंगे। सामने ये ब्रिज और सेंट्रल पार्क, यहाँ पे ROF के प्लॉट हैं, देख रहे हो कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव वाइज ही नहीं आती इसके अंदर। और यहाँ पे देखो आपको अलग ही नज़र आएगा ये, कि भाई लाइटिंग भी है, खूबसूरत भी है, पॉजिटिव वाइज भी है। शायद आप आज के टाइम में ये सबसे महंगे प्लॉट बेच पा रहे हैं 1.5 लाख रुपये गज। तो BLF ने इसके अंदर इंटरेस्ट किया है, क्योंकि आसपास सारी चीज़ें एक्टिव हैं। ये ब्रिज का कमर्शियल है जो इसके अंदर भी एक्टिव है, उसके बाद लोग रहते हैं, ये पूरा सेंट्रल पार्क है, पूरा का पूरा सेंट्रल पार्क है, और यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। सारी चीज़ें मैं जितनी तारीफ करूँ इस एरिए की उतनी कम है। आप टाइम निकाल के अगर आएंगे तो मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा, क्योंकि BLF को प्रॉपर तरीके से कंसल्ट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मैंडेट है अपने पास, आपको बेस्ट डील मिलेगी, बेस्ट चीज़ देके भेजूंगा आपको, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ। ये सारा सेंट्रल पार्क है अंदर तक, जितना मैं आपको दिखाऊं उतना कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नाइट का व्यू है, आप देख रहे हो ये कमर्शियल चल रहा है, यहाँ ऑलरेडी कमर्शियल एक्टिव है, तो ये अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल में भी देख रहे हो आप काफ़ी लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। टाइम निकालो, आ जाओ, समझ लो। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से लेआउट, मास्टर प्लान, ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 30 नवंबर के बाद रेट रिवाइज होने वाला है और आपकी चॉइस का फ्लोर आपको नहीं मिलेगा। लेआउट पूरे सोना, सिग्नेचर ग्लोबल के साथ कंपेयर कर लो, त्रिहान के साथ कंपेयर कर लो, इससे बढ़िया कोई भी लेआउट नहीं है, इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ। अदरवाइज हो सकता तो इतना आपके साथ इतना जोर नहीं लगाता। यहाँ बेनिफिट भी है आपको, रहने का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है, हर प्रकार का है। तो अगली वीडियो में लेआउट वगैरह सब कुछ। थैंक यू।